ओम शांति। 26 फरवरी 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, नए वर्ष में उमंग उत्साह में उड़ना और सर्प के प्रति महादानी वरदानी बनने के लिए व्यर्थ को समाप्त करना। तो आज की मुरली से लक्ष्य रखेंगे उड़ती कला द्वारा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। उड़ती कला का फर्स्ट पॉइंट है उमंग उत्साह में रहना। इसके लिए स्वमान लेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात नया जन्म, नए संस्कार, नया जीवन, नव वर्ष और नव युग को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि नई प्रीत, नई रीत, नई दृष्टि, नई वृत्ति, सब कुछ नया हो जाता है। तो उमंग उत्साह सदा रहता है। तो आज सारा दिन ये स्वमान रहे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो उड़ती कला के लिए दूसरी विशेषता रहेगी कर्म योगी। इसके लिए आज बाबा ने कहा, जो कर्म योगी होते हैं वो उमंग उत्साह के पंखों में उड़ते रहते हैं, और उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म करते हैं। तो उत्साह की शक्ति अपने अंदर चेक करनी है, कभी दिल शिकस्त तो नहीं होते। जो उमंग उत्साह वाले हैं सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं, वो कभी दिल शिकस्त नहीं होते। तूफानों को तोहफा बना देते हैं अपनी स्थिति के द्वारा, और कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या हो, उसको मनोरंजन बना लेते हैं। और इसी तरह पहाड़ को राई, राई को रुई बना लेते हैं। ये इतनी ऊंची स्थिति है उमंग उत्साह की स्थिति, उड़ती कला की स्थिति। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि ऐसी आत्मा सदा ही आधार मुहूर्त के स्वमान में रहती है। आधार मुहूर्त अर्थात निश्चय बुद्धि, विजयी नंबर वन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा, पवित्र दृष्टि के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा प्रकृति को और वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हैं, और श्रेष्ठ कर्म के द्वारा श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने में बाप के मददगार बनती है। ऐसी आत्माओं को आधार मुहूर्त आत्मा कहते हैं। उसकी नेक्स्ट विशेषता है महादानी और वरदानी। तो ऐसी उड़ती कला वाली आत्मा नॉलेजफुल बनकर सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न रखती है, और जो भी आत्मा संपर्क में आती है उसको ज्ञान का, शक्तियों का और गुणों का दान देती है। तो महादानी आत्मा अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा ये दान देती रहती है। वरदान देना अर्थात अपनी स्थिति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना, और वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना, ये सहयोग देना ही महादान देना है। उड़ती कला वाली आत्मा की विशेषता है वो सदा ही अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में रहती है। क्रोध के परवश आत्मा को अपनी रहम के द्वारा शीतलता के वरदान देती है। तो ऐसी आत्मा सदा ही व्यर्थ से मुक्त रहती है। व्यर्थ से मुक्त रहने वाले को समर्थ आत्मा कहते हैं। तो अगर हम एक स्मृति का स्विच ऑन करते हैं तो समर्थ आत्मा बनकर व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। ऐसी आत्मा चारों सब्जेक्ट में नवीनता लाती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान अर्थात समझदार, योग अर्थात स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय, धारणा अर्थात इकोनॉमी का अवतार बनना, और सेवा अर्थात बनी बनाई स्टेज के ऊपर सेवा करना, समय और खजाने की बचत करना। तो इस तरह अपने अंदर नवीनता ला करके बाप समान बनना है। तो ये उमंग उत्साह आज अपने अंदर चेक करना कहाँ तक है। ओम शांति।